हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके टॉपर्स। तो अभी हम क्या करेंगे, यानी कि पार्ट टू रहेगा जो हम जीके हम क्वेश्चन कर रहे थे जीके का। ठीक है, तो पार्ट टू रहेगा ये हमारा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सूफियाना म्यूज़िक माइग्रेटेड टू कश्मीर इन 15th सेंचुरी फ्रॉम, ठीक है, तो ये क्या किया था, एक माइग्रेट किया था कश्मीर से। ठीक है, जो सूफियाना म्यूज़िक है 15th सेंचुरी में, तो कहाँ पे किया था ये, कहाँ से, अफ़गानिस्तान, इराक, ईरान या टर्की। सो सही आंसर जो हमारा है वो है इज़ सी पार्ट, यानी कि ईरान से। नेक्स्ट इज़ अकॉर्डिंग टू द कॉपेंस क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, द वैली ऑफ कश्मीर मे बी प्लेस्ड इन द फॉलोइंग कंट्री, ठीक है, कैटेगरी, सॉरी। ठीक है, तो इनमें से कॉपियन क्लासिफिकेशन अगर क्लाइमेट की बात की जाए, तो वैली ऑफ कश्मीर मे बी प्लेस्ड इन द फॉलोइंग कैटेगरी, कौन सी है। सो सही आंसर क्या है हमारा इज ए पार्ट, डी एफ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिख गुरु विजिटेड दी गुरुद्वारा छत्ती पद साही, ठीक है, तो कौन से हैं सिख गुरु इसमें से जिन्होंने विजिट किया था गुरुद्वारा छत्ती पद साही। सो राइट आंसर इज क्या है हमारा, दैट इज गुरु हरगोबिंद, ठीक है, हरगोबिंद, ठीक है, ये हमारे क्या थे, सिख गुरु थे जिन्होंने विजिट किया था गुरुद्वारा छत्ती पदशाही। ठीक है, नेक्स्ट इज जेलम राइजेज फ्रॉम विच प्लेस, ठीक है, तो ये कहाँ पे है, कौन सी जगह पे है, गंगोत्री, यामनी हिल या धावलागिरी या वैरीनाग, तो कहाँ पे है ये, ये है हमारा सही आंसर इज डी पार्ट, वेरी नाउ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फाउंडर ऑफ करकोटा डायनेस्टी इन कश्मीर, ठीक है, तो करकोटा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है कश्मीर में। ऑप्शन इज दुर्लभा वर्धना या हर्षवर्धनामा वर्धन या मुंडरिक चंद या फुलकिन, तो सही आंसर जो है हमारा दैट इज ए पार्ट, दुर्लभा वर्धाना। ठीक है, नेक्स्ट इज हु इज एसोसिएटेड विद अमृतसर ट्रीटी, तो किसने ये एसोसिएट किया था, गुलाब सिंह ने या मेहुल सिंह ने या रंजीत सिंह ने, तो किसने किया था, दैट इज ए सॉरी बी पार्ट इज गुलाब सिंह। ठीक है, नेक्स्ट इज वेयर इज द ओरिजिन ऑफ चेनाब रिवर, चेनाब रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, यानी कि कहाँ से निकलती है चेनाब रिवर, श्रीनगर से या हेमकुंड से या लाहौल से या ननोदीज से, इनमें से कहीं से नहीं, तो कहाँ से निकलती है, दैट इज़ लाहौल वैली से। ओके, नेक्स्ट इज मनसाबल इज़ फेमस फॉर, ठीक है, तो जो मनसाबल लेक है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, सॉरी मनसाबल जो है वो किसके लिए फेमस है, रोज़, लोटस, जूही या एप्पल, तो किसके लिए है फेमस, दैट इज़ लोटस। नेक्स्ट इज The first fortification of हरी पर्वत was constructed by, ठीक है, तो first fortification जो हरी पर्वत है किसने constructed किया था, option is अकबर, शाहजहाँ, हुमायूं या शेरशाह, तो ये किया है अकबर ने। Next question is at which place tourism is round the year, ठीक है, तो कौन सी जगह है जहाँ पर ये tourism round करते हैं हर एक साल में, ठीक है, तो कौन सी जगह है, अमरनाथ, केदारनाथ, वैष्णो देवी या बद्रीनाथ, तो वैष्णो देवी इज़ मोस्ट, कहाँ पे है ये, त्रिकुटा हिल्स पे। ठीक है, नेक्स्ट इज हु कैरिड द फर्स्ट असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन जेएनके ऑन साइंटिफिक लाइन, ठीक है, ऑप्शन इज वाल्टर लॉरेंस, टाइंडेल बिक्यो, जेम्स थॉम्स, क्या है ये, जेम्स थॉम्सपोन टॉडरमाल, तो सही आंसर क्या है हमारा इसका इज ए पार्ट, वाल्टर लॉरेंस। ठीक है, नेक्स्ट इज द मेन रिवर दैट फ्लो थ्रू दी जम्मू एंड कश्मीर रीजन आर, ठीक है, तो मेन रिवर कौन सी है, मेन रिवर जो है जम्मू एंड कश्मीर से, सो ऑल ऑफ दीज, चेनाब भी, इंदस भी एंड झेलम भी। नेक्स्ट इज द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन जम्मू एंड कश्मीर इज हेडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशल्स, ठीक है, इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, सो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है या कमिश्नर है, तो सही आंसर जो है हमारा बी पार्ट, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर इज
राइट आंसर। नेक्स्ट इज हु एब्लॉइश्ड बेकर सिस्टम, यानी कि जिसको फोर्स लेबर कहा जाता है इन J&K। तो किसने एब्लॉइश्ड किया था, कौन थे, दैट इज प्रताप सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेनर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर इज। ठीक है, तो कितने टेनर के लिए रहती है ये लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू एंड कश्मीर की, 6 ईयर, 5 ईयर्स या परमानेंट हाउस है या नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या है हमारा, इसका सही आंसर है जो हमारा वो है बी पार्ट इज 5 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टुक ऑफिस एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के कौन थे, सो वो थे हमारे डॉक्टर करण सिंह। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज एस्टेब्लिश। ठीक है, तो ये कब एस्टेब्लिश हुआ था जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, सो राइट आंसर इज 1928 में। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। ठीक है, तो कौन अपॉइंट करता है इनको चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के, कौन है, कौन से हैं, सो ऑप्शन इज अब्दुल क्याम, SK घोष, कन्वर सैन या SS कैंग। तो सही आंसर क्या है हमारा, यानी कि फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन है हमारे, दैट इज कन्वर सैन। नेक्स्ट इज हु वॉज द लास्ट प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ J&K, जो चीफ मिनिस्टर भी फर्स्ट रह चुके हैं और लास्ट PM हैं, तो कौन है, फारूक अब्दुल्ला या GH मोहम्मद सादिक या करण सिंह या अब्दुल क्याम। तो सही आंसर क्या है हमारा, यानी कि GH मोहम्मद सादिक, ये क्या है फर्स्ट CM एंड लास्ट CM रह चुके हैं किसके, J&K के। नेक्स्ट इज हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के, फर्स्ट चेयरमैन कौन है, तो कौन है, सही आंसर क्या है हमारा, दैट इज यादव नाथ सिंह इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ पंचायती सिस्टम इन जम्मू एंड कश्मीर, इनमें से कौन सा जो पार्ट है जो पंचायती सिस्टम में आता है, यानी कि इन जम्मू एंड कश्मीर, हल्का पंचायत या ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड या ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है हमारा, इसमें ऑल ऑफ द अबव, हल्का पंचायत भी आती है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल भी आती है और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड भी आती है। ठीक है, नेक्स्ट इज द रियल नेम ऑफ लाल डीड वॉज, तो रियल नेम क्या है लाल डीड का, दैट इज सी पार्ट ललेश वरी। ठीक है, नेक्स्ट इज ये अभी मैंने करवाया था, द K2 जिसको कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन, दी हाई सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ठीक है, तो कहाँ से ये लाइज करती है, ग्रेटर हिमालयाज, अपर इंदूज वैली या कराकोरम या लेसर हिमालयाज। तो सही आंसर क्या है हमारा, दैट इज कराकोरम। नेक्स्ट इज हु वॉज द रूलर ऑफ J&K एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947, उस टाइम किसका रूल था जिस टाइम हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, सो कौन थे वो हमारे, दैट इज उस टाइम रूल किसका था, हरी सिंह का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टू लॉफ्टी पीक्स ऑफ गेशबरम एंड महेश्वरबरम लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज, सो कौन सी रेंज है ये हमारी जो है गाशेरबरम एंड महेश क्या है ये महेश्वरबरम इज लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज, कौन सी रेंज है, सो राइट आंसर इज कराकोरम इज रेंज थी। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो फिफ्थ हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है इन द पूरे वर्ल्ड में, सो सही आंसर जो है हमारा दैट इज नंगा पर्वत। नेक्स्ट इज माता वैष्णो देवी श्राइन इज लोकेटेड ऑन, तो कहाँ पे है मैंने आपको अभी बताया पीछे क्वेश्चन में, तो ये है हमारा सी पार्ट इज त्रिकुटा हिल्स। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, सबको पता है दैट इज बुलर लेक इज फ्रेश वाटर लेक। ठीक है, एंड लार्जेस्ट लेक भी है ये। ठीक है, थाइन डैम इज बिल्ट अक्रॉस, ठीक है, जो थाइन डैम है तो ये कहाँ पे
एक्रॉस किसको करती है, ब्याज को, रवि को, उज को या अंचार को? सो राइट आंसर इज रावी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा है? सो कौन सा है, दैट इज लखनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्जेस्ट ग्लेशियर बताना हमें वर्ल्ड का आउटसाइड दी पोलर रीजन। ठीक है, तो वो कौन सा है, सही आंसर इज सेंशन ग्लेशियर। ठीक है, सेंचन ग्लेशियर। ठीक है, नेक्स्ट इज विदासा एंशंट नेम ऑफ विच ऑफ दी फॉलोइंग रिवर्स। तो विदासा का एंशंट नेम कौन सा है, सही आंसर क्या है हमारा, ए पार्ट यानी कि झेलम। ठीक है, नेक्स्ट इज दी परिहाशपुरा नाउ कॉल्ड, जिसको बोलते हैं पारसपुरा, नियर जिसके पड़ता है शादीपुरा, तो ये इसके रूलर कौन थे? तो सही आंसर क्या है इसका, इसके थे ललित आदित्य। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर फाउंड ऑफ उत्पला डायनेस्टी इन कश्मीर। तो अब उत्पला डायनेस्टी जो कश्मीर की है, ठीक है, तो इसके रूलर कौन थे, फाउंड किसने किया था? सो राइट आंसर इज ए पार्ट यानी कि अवंती वर्मन ने। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इंट्रोड्यूस्ड बेगार द सिस्टम ऑफ फोर्स्ड लेबर इन द कश्मीर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड अदर पर्पसेस। ठीक है, इनमें से कौन से रूलर है जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था बेगर को, दिस सिस्टम किसके लिए, फोर्स्ड लेबर इन द कश्मीर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड अदर पर्पस के लिए। ठीक है, सो राइट आंसर इज क्या है हमारा, राइट आंसर इज बी पार्ट यानी कि अवंती वर्मन। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक पेपर में पूछे गए हैं ये, और ये हम क्या कर रहे थे आज, रिवाइज कर रहे थे, जो भी हमने पिछले जितने भी किए उनको सबको रिवाइज कर रहे थे। तो ये हमारा रहेगा पार्ट वन। ठीक है, किसका, जीके का, रिवीजन का हो गया। ठीक है, अब मैं कल आपको पार्ट टू करवाऊंगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये बच्चों तक पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।